टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती में शामिल होने पहुंची। अनुपमा के नाम का मुख्य किरदार निभाने वाली टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भस्म आरती के बाद गर्भगृह से दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। अनुपमा सीरियल में लीड रोल निभाने वाली रूपाली गांगुली ने भगवान महाकाल को जल अर्पित कर पंचामृत अभिषेक पूजन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद सदा बना रहे, बस यही आशीर्वाद मांगा है। पहली बार 2020 में भस्म आरती में शामिल हुई थी। आरती के बाद बाहर निकली और सीरियल अनुपमा का ऑफर आया था। एक साल से आने की कोशिश कर रही थी, अब महाकाल भगवान का बुलावा आया है, उन्होंने बिना मांगे सब दिया है। अभी तो फिलहाल अनुपमा ही है मेरे महीने के, अब मुझे छुट्टी नहीं मिलती आने की, मैं अप्रैल से आने की कोशिश कर रही हूँ। बाबा से क्या मांगे, वो बिना मांगे ही इतना कुछ दे देते हैं, बस फैमिली के लिए हेल्थ हैप्पीनेस सबके लिए सबका अच्छा, मेरी यूनिट के लिए सब कुछ अच्छा, मेरे जो एनिमल्स हैं उनके लिए। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं पहली बार भस्म आरती में आई थी 2020 में, मैं यहाँ प्ले करने आई थी और जो धीरज जी के साथ में आया HDYS के, तो वो मुझे लेकर आए थे, हमने भस्म आरती की थी, हम बड़े पीछे बैठे हुए थे। एंड जब मैं यहाँ से बाहर निकली तो मुझे अनुपमा की ऑफर आई थी। बाहर कंपाउंड में ही थी जब मुझे फ़ोन आया था कि आप ज़रा आ जाइए जल्दी से, ये शो है। तब नाम नहीं पता था कि अनुपमा है, पर यहाँ पर ही मुझे फ़ोन आया था, तो मैं आती हूँ हर बार थैंक यू कहने के लिए। अब एक साल से कोशिश कर रही थी, बुलावा नहीं आया था, लेकिन आज जब बुलावा आया तो बाबा ने इतने प्यार से सामने बिठा कर दर्शन दिए, क्या ही बोलूं, मैं मेरा रोना रुक नहीं रहा था, तो बाजू अपने आप बह रहे थे, ये भावना थी बाबा की। हाँ बस उनसे क्या ही मांगे, क्या ही सब कुछ तो दिया। रूपाली गांगुली अभिनेत्री और थिएटर कलाकार है। उन्हें टीवी सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई से प्रसिद्धि मिली थी। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत पेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।